सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो को मैं टॉपिक क्या दूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर ये बहुत ही सिंपल पिस्टन हाउस मैंने बनाया था माइनक्राफ्ट में बहुत देर पहले। मैंने अब जाके चेक किया, इस खूबसूरत सीनरी के अंदर मैंने बनाया था ये घटिया सा डर्ट हाउस। और आज मैं आपको इसी का टूर देने वाला हूँ। और पहले बता दूँ, ये सिंपल डर्ट हाउस नहीं है, ये एक पिस्टन डर्ट हाउस कह सकते हो आप इसको। और बस और क्या कहूँ मैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सबसे पहले आप सामने देखोगे, अगर कोई आम इंसान होगा सामने एक डोर होगा, वो अंदर खोल के अंदर चला जाएगा, बस उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। छोटी सी विंडो है बाहर देखने के लिए। इधर हमने छोटा सा अपना कमरा बनाया सिर्फ इसेंशियल चीज़ों का। इधर आपकी ये डबल चेस्ट है जिसके अंदर अपना स्टोन पिकैक्स, लेदर आर्मर, जो आपका रोज़ का सामान है वो रख सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर कुछ खास नहीं है। साइड में आपकी फर्नेस है, बहुत बढ़िया फर्नेस है, आप इसके अंदर कुछ भी स्मेल्ट कर सकते हो, आपको पता है? अगर नहीं पता तो देखा, मैंने बता दिया ना। और फिर इसके साथ आपकी आ गई छोटी चेस्ट, इसके अंदर आप अपना डायमंड का कुछ भी सामान रख सकते हो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है, ये है। उसके साथ आ गया आपकी क्राफ्टिंग टेबल, आपको पता है आप इससे कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो। इसके साथ आपका आ गया एक डबल डीलक्स मेमोरी फोम बेड जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली यहीं पे मिलता है। और जिसको जो बहुत ज़्यादा शातिर नहीं है उसको ये दिखेगा, पर जैसे ही आप आगे वाली चेस्ट में डालोगे कुछ सामान और नीचे से आपका खुल जाएगा एक सीक्रेट बेस। और सामने आपका आ गया लेमन फार्म, वाटरमेलन फार्म, और इधर आ गया पम्पकिन फार्म। और ये दोनों ही बिल्कुल ऑटोमेटेड हैं, यानी कि जैसे ही यहाँ पे एक पम्पकिन उगता है ये पिस्टन को पुश कर देते हैं और वो इधर ये वाली चेस्ट में आ जाते हैं। ये हो गया, ये आपके ऑटोमेटेड हैं बिल्कुल अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ। और इधर आपका आ गया थ्री पिस्टन स्पायरल डोर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे आप आ गया सारा वो ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम, जैसे आपको कुछ भी चाहिए बस उसका लीवर फ्लिक करो और वो स्टोरेज बिन में आ जाएगा, स्टोरेज चेस्ट में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा। और अगर आपको कुछ वापस रखना है तो वापस बस उस ऊपर वाली चेस्ट में डाल दो, वो अपने आप फिर से वो हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मेरे ख्याल शॉर्ट हो जाएगा, यही बोलते हैं। तो आई लव दिस थिंग। अगर आपको सब ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट कर देना, मेरे लाइक कर देना। और अगर आपको, मेरे को एग्जिट बहुत ज़्यादा बढ़िया बनानी थी क्योंकि जो नॉर्मल एग्जिट होती है स्टेयर्स ऊपर ट्रैपडोर वगैरह, मेरे को पसंद नहीं आई, तो मैंने ये बनाई है जैसे आपको फेंस पोस्ट और पानी तो दिख ही रहा होगा और डिस्पेंसर ड्रॉपर्स भी दिख रहे होंगे। तो आप कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आना है फेंस पोस्ट के ऊपर जंप करना है और इसको पुश कर देना बटन को, और ऊपर देखो और गया बार, ये डायरेक्ट आपको बाहर लॉन्च कर देता है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, पता नहीं क्यों बस मेरे को बहुत पसंद आया। और आप डायरेक्ट घर के पास आ गए और ट्रैप डोर्स को फिर बंद कर देते हैं अपना पिस्टन्स वगैरह। और बस यही था मेरा छोटा सा पिस्टन हाउस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन। मैं इस वीडियो पे 10 लाइक्स का एम करना चाहता हूँ। अगर आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और पता ही यार आपको, अगली वीडियो तक फिर मिलते हैं, पीस।